गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छी हवा चल रही है और हमारे तो कॉलेज में देखो सब लोगों ने ना ऐसे नेट लगा लिए ऊपर ऊपर। इससे क्या होता है, मच्छर नहीं आते हमारे, मच्छर बहुत हो रहे हैं। अरे छोड़ो मच्छरों को यार, आप लोग बताओ आप कैसे हो? बस नया दिन, नई शुरुआत। सैटरडे संडे इन्होंने मेरा बहुत गंदा निकाला है और तो अब इनको हर्जाना थोड़ा देना पड़ेगा। तो बस अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले और फटाफट से ब्रश किया है, फेस वॉश किया है और उसके बाद में अब नहाने की तैयारी है। नाश्ता बनाएंगे, फिर क्लास करेंगे अपनी और उसके बाद में मिलते हैं मैं आपसे। और आज की कॉफ़ी तो खाली अकेले अकेले पीनी पड़ेगी बिकॉज अब है तो ऑफिस चले गए हैं और अभी एक पीरियड फ्री था तो मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी बना लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आज सोच रही हूँ, यहाँ ना मैं आपको दिखाया था ना कल जब मैं वैक्सीन लगवाने गई थी, वहाँ पे सेल लगी हुई है तो कुछ पॉट्स हैं उसके अंदर, बुद्धा के पॉट्स हैं। देखती हूँ अगर आज मैं जा पाई तो, अकेले जाना पड़ेगा। अब है तो आएंगे शायद 4 बजे तक, 4:30 आई थिंक। तो उसके बाद तो फिर देखते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत कढ़ी बनाई है मैंने आज, कढ़ी राइस अनियन और चपाती। तो अब बस खाना खाती हूँ मैं, क्लास ख़त्म हो गई, क्लास ले ली है और उसके बाद में थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा सामान वगैरह ख़रीदने जाना है। तो बस खाना खा के निकलती हूँ उसके बाद में। अबे आएंगे शाम को 5 बजे तक आई थिंक, सो 4-5 बजे तक उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ऑफकोर्स ऑलरेडी सैटरडे संडे तो बिगाड़ चुके हैं ये, तो ठीक है फिर खाना खा के मिलती हूँ आप लोगों से। आज का सबसे बड़ा जोक, अभी अबे ऑफिस से आए और ऑफिस से आके बोले कि यार धूप बहुत तेज है। मैंने कहा हाँ यार धूप तो बहुत तेज है कि पर यार यहाँ ना हैदराबाद की धूप में ना ठंडक नहीं है। धूप में ठंडक होती है क्या? और अगर मैं आपको बोलू ना, इस व्यक्ति ने पिछले तीन दिन से सेम कपड़े पहने हुए। तो किसी के पास कपड़े ही नहीं होंगे तो क्या करेगा? पिछले तीन दिन से कहानी के गाइस, आप इसकी 4-4 कबर्ड्स हैं और मेरे पास एक ही कबर्ड है जिसमें भी कपड़े नहीं है। होय 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 बेचारा। ठीक है तो आप इसको ये देखिए कि ये खुद के लिए कपड़े मंगाती है, लाती है, खरीदती है। आपको पता है ऑफिस से आने के बाद वही वाले कपड़े पहने, ऑफिस से आने के बाद वही कपड़े पहन लिए जब इतने 2 दिन से घर पे पहन रहे थे सैटरडे संडे। कह लगे यार गंदे थोड़ी ना है। मैंने कहा चलता है कि तुम कपड़े भी नहीं धोती हो, इससे पता चलता है कि तुम कितने आलसी हो। बोलो मत, कपड़े धुलते हैं ना आदमी के तो उनको रोज। वैसे भी कपड़े मैं नहीं धोती, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन धोती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन धोती है, ये सबको पता है। अपनी बात पे फंस गई तो मैं अपनी बात में फंसी, सबको ये पता चल गया कि आप कितने आलसी हो। अगर तुम रोज कपड़े धोती तो मैं रोज वो कपड़ा कैसे पहन सकता हूँ? अच्छा हाँ हाँ सही है। और ये मेरी स्कूटी चलना बंद हो गई, इतना ही स्टार्ट कर लूँ कुछ हो ही नहीं रहा। अभी मैं अपने पसंद की जगह जब निकली थी ना, लगा दी डॉग, अब ये चल ही नहीं रही है। अभी कॉल किया है देखो, वहाँ से ऊपर से पीछे से आई हूँ मैं, वहाँ से अभी ये पैदल 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 आएंगे और फिर इसको चलाएंगे। तो गाइस मैंने कितने दिनों बाद कोई तितली देखी है, देखो कितनी अच्छी आ रही है। इतने समय बाद देखी मैं ये, देखो ये जा रही थी आप लोगों को कहीं घुमाने के लिए, दिखाने के लिए मुझे झूठ बोल के, झूठ बोले कौवा काटे वाला हिसाब हो गया। इसकी हो गई स्कूटी बंद, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये यहाँ खड़ी है आराम से और मुझे बोलती है अब आ जाओ, ये स्कूटी बंद हो गई, चला के दो मेरे को, देखते हैं क्या हुआ इसकी स्कूटी में। आपकी टोक लगी है सारी की सारी। मेरी टोक लगी, बता हाथ हो गए क्या हुआ यार? किक तो मुझसे लगती नहीं है। बता इससे किक नहीं लगती, स्कूटी लड़कियों की होती है और लड़कियों सब सारी किक लगा देती है, इससे नहीं लगती।
आपकी टोक मेरे सामने, एक काम करते इसको अपने सामने किक लगवा। आप लॉक लगा के आए घर का? तो मुझे वहीं तक नहीं, बिल्कुल क्या यार? ले लगा, किक लगा, ऑन कर ले पहले गाड़ी। देखो गाड़ी ऑन नहीं कर रही, बिना चाबी ऑन कर किक मार रही। चल गई, बस चल गई, चलेगी। तो एक काम कर, उतार इसको, उतार एक बार। हाँ अब बंद कर गाड़ी, बंद कर, अरे गाड़ी बंद कर। तो ये मैं आ गई हूँ जहाँ मैं बोल रही थी आने के लिए। देखो कितने प्यारे हैं। 1000 rupees 3 per 350 1 day, last 2 days off. 10 rupees. I don't have change. Wait a minute, let me check. 1000 rupees 3 per 350 1 day, last 2 days off. खरीदूंगी वो आपको दिखा। तो अभी कुछ सामान तो खरीद लिया, अब जाके देखती हूँ कितनी डांट पड़ेगी घर जाने के बाद में। और ओके चलो मिलती हूँ आपसे घर जाके। वैसे ये बहुत सुंदर है यहाँ ना, वो वाला पॉट को 950 rupees का है शायद। तो वो पेंटिंग भगवान जी की जो वो थी ना, वो लेने जा रही हूँ एक बार। मैंने ले ली। ओ सर प्रवेश कराइए। मन ही नहीं लग रहा था बता इनके बिना, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा अजीब सा ही फील होता है। एक मिनट, लाइट ऑन कर दो, सैनिटाइज करना पड़ेगा एक बार। ये देखिए कितना आज्ञाकारी इंसान है, अभी तक हेलमेट पहना हुआ है। सैनिटाइज देख लो कर रहे हो तो। वो RGB वाला भी अडेप्टर लगा दोगे अभी? वो RGB वाला अडेप्टर वो लगाना है ना? ओके तो ये वाला शीशा ना हमारा टूट गया था लाने में, और ये शीशा देखो दिख रहा है, शीशा टूट गया था और थोड़ा सा क्रैक सा था उस पर, और इसमें ना एक लाइट का पैनल था वो भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो उसने ये सारा ठीक कर दिया। अरे यार सच में मन खुश हो गया आज मेरा। और शीशे पे मत मारना है, फिर निशान सा पड़ जाता है। फिर मत मारो, मत मारो। क्यों? नहीं मैं वो अजीब सा निशान हो जाएगा, धुंधला धुंधला टाइप्स। तो ये हमारे जयपुर के कान्हा जी गोविंद देव जी। तो आप जब भी जयपुर जाएं जरूर दर्शन करके आएं, सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुराना मंदिर है। और ये शहर में है जहां पे आपने हवा महल देखा होगा, हवा महल के पास है, तो आप जाके आइए जब भी जाए जयपुर। तो हम तो अपने साथ लेके जाते हैं इनको जहां भी जाते हैं। कहीं जाती हूँ तो पर्स में डाल के ले जाती हूँ छोटी सी प्रतिमा को, और कहीं ऐसे लंबा जाना हो तो भाई तस्वीर तो साथ है ही है। ठीक है जी, इसको सेट करते हैं एक बार। तो हमारे गोविंद देव जी ठीक हो गए। कितने सारी लाइटें जल रही है अलग अलग जलाना। ये डल रही है रेड, मतलब रेड ही दिख रही है मेरे को तो, पिंक येलो। और ये मैंने अभी को बताया नहीं था, तो ये मैंने अभी के बर्थडे के लिए मंगाए थे वाइट स्निकर्स, उनके पास थे नहीं ऐसे, और हार्ड लक ऑफ माइन ये उनको साइज़ बड़ा आया। शटर मुझको उन्हें बताना पड़ा, अब ये यार ये चेंज कराने पड़ेंगे। ये अभी मिंत्रा पे ना सेल चल रही थी ना, तो ये HRX के वाइट स्निकर्स थे। नॉर्मली वाइट स्निकर्स मतलब वाइट वो पहनते नहीं है, बट एक होता है ना एक स्टाइलिंग के लिए भी चलो अच्छा लगता है कभी कभी, तो ये HRX के थे। तो अगर आप में से जिसका भी साइज़ अगर 9 नंबर आता है आपको, तो बहुत ही अच्छा पेयर था वाइट। ये फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, ये देखो प्रॉपरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो वाइट स्नीकर्स हैं। इसके कुछ 3299 था और मुझे शायद ये कुछ 1200 समथिंग में पड़ रहा था, तो 1200 रुपये में स्नीकर्स, वो भी कॉटन, वो कॉटन वाला नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, PU सोल,
नहीं पीयू लेदर वो वाला, हाँ वो है कुछ कुछ। कितना प्यारा लुक था सच में, बहुत ही शानदार लुक था, पर अच्छी वाली पोपट हो गई बिकॉज सब है कोई साइज थोड़ा बड़ा आया। मैं कहती यार बड़ा ही पहन लो, थोड़ा सा मोटी सॉक्स पहन लेना अंदर। इसमें छोटा भी था बट ये सस्ते थे इसलिए मंगाया। अरे यार आपको यार हर बार ऐसे क्यों लगता है, अब तो आपको बताना पड़ गया मुझे, नहीं तो मैं आपको बताती नहीं। गाइस आपको असली बता रहा हूँ मैं, हद हो गई यार, आप शांत रहो थोड़ा। तो देखो यार इतने अच्छे जूते, तो मैंने बोल रही थी यार तुम मोटी वाली सॉक्स पहन के पहन लो, तो बारह बोलती मोटी वाली सॉक्स पहन लो, ये थोड़े सस्ते पड़ रहे हैं। अरे यार ऐसा नहीं है, मतलब फिर भी यार खुद सोचो यार, करीबन 3,500 रुपया कोई पैर, अगर आपको 1200 समथिंग में पड़ रहा है दैट मीन्स ठीक है कोई बात नहीं, पर चलो इनको समझ नहीं आया तो फिर दूसरे। मतलब अगर आप लोगों को बर्थडे पे कोई गिफ्ट देगी और अगर वो बड़ी ड्रेस दे दे तो आप परेशान नहीं होएगा, क्योंकि उसके साथ ही आपको एक व्हाट्सएप करेगी, उसमें लिखेगी प्रोग्राम चौपट हो गया स्नीकर्स वाला, तो ये मुझको इन्हें बताना भी पड़ गया। पहले मैंने सोचा था कि यार सब कुछ सरप्राइज रखूंगी, बाद में बताऊंगी। कैन यू प्लीज शट योर माउथ, व्हाट? हाँ तो जी ये हो गया कैंसल। अभी आपको पता है मैं ना एक इनके लिए 200 रुपए की चप्पल लेके आई हूँ, और इनको बताऊंगी कि वो 500 रुपए की लेके आई हूँ, देखना क्या रिएक्शन होता है। ठीक है 500 रुपए में तो नहीं ला सकते यार, ऑफ कोर्स 500 में लाई हूँ, अबे 550 में लाई हूँ, बल्कि 500 भी नहीं। इतनी कंजूसड़ी, क्या कंजूसड़ी, 500 रुपए की चप्पल लग रहा है, चप्पल नहीं हो सकता ये। पर सच बताओ ना कैसे है, मतलब अंदर का लाइक मटेरियल कैसा है, खड़े होके देखो एक बार। अच्छा नाइस। कपड़े तो खैर आपने 2 दिन पुराने पहन ही रखे हैं, धो दिया करो, रोज कौन धोता है कपड़े, सही बताओ 550 में सही नहीं है। और ये देखिए दूसरों के साथ अपना भी फायदा, ये मैंने सिल्वर क्या बोलते हैं इसको, ओपन स्नीकर क्लोज स्नीकर जो भी मान लो आप, ये देखो और इतने अच्छे लग रहे हैं ना ये, या आप वेस्टर्न पे ही पहन सकते हो, और जस्ट ₹200 सिर्फ 200 रुपए में। देखो 200 में ये पानी पिला दे, अरे दे रहे भाई दे रहे, और ये 200 में ये, कैन यू इमेजिन। तो आगे शॉपिंग की टिप्स आपको लेनी है तो किससे लेनी है, तो आज के लिए इतना पोपट बहुत है, मैंने तो मंगाया सच में अच्छे के लिए था, वो कोई सस्ते के चक्कर में नहीं मंगाया था, बट चलो जो भी कुछ है। 10:30 बज चुके हैं, बस अपना ब्लॉग एडिट कर ही रही हूँ मैं, और फिर सो जाती हूँ, कल वीकली टेस्ट भी है क्लास में मेरा एक, तो फटाफट से क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। तो अब मैं अपना ब्लॉग आज का यही एंड कर रही हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे कमेंट्स कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ लोग और जुड़ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सुपर सून।